साउथ ईस्टर्न रेलवे ने सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक अप्रेंटिस के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रेंटिस का जो एंगेजमेंट होना है साउथ ईस्टर्न रेलवेज में, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल डिस्कशन करने जाने हैं। इस विज्ञापन को साउथ ईस्टर्न रेलवेज ने इशू किया है और डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 27 दिसंबर का और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 2 फरवरी 2023, 2 फरवरी 2023। इसमें एप्लीकेशंस ऑनलाइन मंगाए गए हैं और एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और मोड में अगर सबमिशन करते हैं तो वो फिर उनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं नोटिफिकेशन में। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले एज की बात करें, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स, 15 साल की एज पूरी हो जानी चाहिए, एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स। कहने का मतलब 15 से 24 साल के बीच की आयु आपकी होनी चाहिए। एज ऑन 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 की डेट पर अगर गणना करें तो 15 से 24 साल के बीच की उम्र आपकी होनी चाहिए। और इसके लिए आधार बनाया जाएगा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को, जो 10th क्लास की आपकी मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होती है, उसके बेसिस पे आपके एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। जो अपर एज लिमिट है उसके बारे में जो रिलैक्सेशन है शासन की ओर से जो दिए जाते हैं, 5 साल और 3 साल, OBCs के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 ईयर्स। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन टू एडिशनल 10 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन अप टू द एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्स +3 ईयर्स। तो ये जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन आर 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम द रेकग्नाइज बोर्ड विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड एन ITI पास सर्टिफिकेट इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप इज टू बी डन। जिस ट्रेड की अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं उसका आपके पास ITI पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो ITI NCVT या SCVT से अप्रूव होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें अगर, तो ये 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है जो नॉन रिफंडेबल होगी। और इसके अलावा जो SC/ST और PWD और वुमेन हैं, फिजिकली वीक, SC/ST और महिलाएं, 4 कैटेगरी ऐसी है जिनको फीस नहीं देना है, नो फीस। और द पेमेंट ऑफ फीस विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे। आप वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको जो पेमेंट गेटवे मिलेगा वहां पर जाकर के आपको 100 रुपीज पे करना है थ्रू ऑनलाइन। द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे सोर्सेज आप लगा सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ई वॉलेट, जो भी आपको लगता हो कंफर्टेबल हो आप जिसमें, उसको आप यूज कर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रीपेयर्ड ट्रेड वाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। अलग अलग ट्रेड की अलग अलग मेरिट लिस्ट होगी और उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें मैट्रिकुलेशन 50% और जो मार्क्स आपके आएंगे उसके बाद सब्जेक्ट विल बी रीनॉक एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एनी सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। तो टोटल कंसिडरेशन जो होगा टोटल मार्क्स पे किया जाएगा, ये बात कही गई है। और बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स कंडीशंस हैं, वो बताया गया कि किस तरह से आपको उसको डील करना होगा। आगे बात करें हाउ टू अप्लाई की, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। ये आपका लिंक दिया गया है, एक यहाँ पर जाएं,
या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएँ। ये दोनों ही तरीके से आप पहुँच सकते हैं और फिर जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ होगा, जो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो सारा कुछ बता दिया जाएगा और आपको फॉर्म पूरा भर देना है। ये डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं, उसकी डिटेल्स है, मतलब किस किस वर्कशॉप पे कहाँ कहाँ कितना सीट्स अवेलेबल हैं, किस किस ट्रेड में, जैसे फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, मशीनिस्ट है, पेंटर है, रेफ्रिजरेटर है, एंड एसी मैकेनिक। तो ये सारे अलग अलग आपको किस किस कैटेगरी में, अनरिजर्व में कितना है, रिजर्व में कितना, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे वर्कशॉप वाइज आपके पास पूरी डिटेल है और काफ़ी लंबी सूची है। इसलिए मैं इसको केवल आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डीजल लोको सेट खड़गपुर में कितना है और टीपीकेआर में कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप ये लिस्ट जब डाउनलोड करेंगे ना तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक जितनी चीज़ें थी, मेरा ख्याल है मैंने इस वीडियो में अभी तक आपके साथ शेयर कर लिया है। और जो चीज़ें अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके और समझना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे वेबसाइट पर, दोनों जगह आपको ये मिल जाएगी। दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का रहा होगा और आपने अगर इसके लिए कोई प्लानिंग कर रखी हो तो निश्चित रूप से आप इसमें अप्लाई करें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।